तो अगले वक्ता के रूप में मैं जेएस के ऐसे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो कभी धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी बेरोजगारों की आवाज उठाता है, तो कभी रोजगार सहायकों की आवाज उठाता है। तो मैं ओजस्वी वक्ता बड़े भाई सुमेर बड़ोले को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने विचार रखे। भाई सुमेर बड़ोले, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। और ये जो बाइक सेटिंग वाले भैया थोड़े बाइक की आवाज बढ़ा दे, वरना ज्यादा कमती बोला जाएगा तुम्हारी सरकार डर जाएगी और फिर तुम घर उठाते फिरोगे। तो निवेदन है, थोड़ा पीछे जरा आवाज जा रही है, अब जा रही है आरी आवाज, आवाज दो। मैं 50 बार बोलते रहूंगा जब तक एक एक का हाथ नहीं उठेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, क्योंकि यही लड़ाई चल रही है। बोल रहे हम एक है एक है, लेकिन यही से पहले आवाज हाथ नहीं उठे थे, सोचा बोल दे। सर्वप्रथम में आयोजन करता जो दिन रात मेहनत करे, जमीन स्तरीय कार्यकर्ता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे बीच में हमारे पूर्व के महापुरुष, उनको मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज जयस स्थापना दिवस का 10वां वर्ष है और यह 10 साल बेमिसाल रहा है। साथियों, बहुत से साथी बोलते हैं कि जयस एक संगठन है, जयस एक व्यक्ति विशेष की चीज है, जयस कांग्रेस की बपोती है, कोई बोलता है जयस भाजपा की बपोती है, कोई बोलता है जयस फलाने की है, कोई कहता है जयस वलाने की है, लेकिन मैं बोलता हूं जयस हर उस व्यक्ति की है जो अपने गांव से, जिसके मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, वो व्यक्ति थानेदार की आंख से आंख मिलाकर बात करता है, जयस उस कार्यकर्ता की है, उस व्यक्ति के जयस है। ये लाख बोलते आज की क्यों फटी तुमको मालूम है? आज ये सरकारें क्यों डरी हुई है? क्यों ये ऐसे अल्पसंख्यक लोग आते हैं देश को बदनाम करने के लिए? इनको डर है कि कल तक एक थानेदार से बात करने के लिए पढ़ा लिखा आदिवासी भी 10 बार सोचता था, और आज एक गांव का अनपढ़ आदमी भी थाने में जाकर बोल रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। एक थाने सूबेदार से, गांव के वन रक्षक से, मंत्री से, सचिव से अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं जयस। तो वो है जयस। अगर कोई संगठन होता तो ये कब 2018 में टूट जाता, समझ रहे हो आपको? अगर व्यक्ति विशेष की चीज होती तो 2018 और कभी भी टूट जाता, लेकिन ये तो हमारी रगों में बहने वाला वो जुनून है, वो खून है, जिसको बोलते हैं हम भोपाल जा रहे हैं जयस, तो डंडा ऊपर हो जाता है, वो है जयस। कांग्रेस वाला जब जाता है थाने पे, उसको परिचय देना पड़ता है, तब भी उसको बाहर बिठाया जाता है। भाजपा वाला जाता है, परिचय देना पड़ता है, तब भी उसको बाहर बिठाया जाता है। लेकिन एक जयस वाला जाता है तो टीआई उसको अपने सामने बिठा के चाय पिला के भेजता है, वो जयस है। साथियों, हम ये बात बोलना चाहता है कि हमें एकता बनाओ, हमें फलाना ठिका करो। अरे एक टोकरी है फूल में, जब फूल बार बार पहले बिखरे हुए फूल है, उनको एक एक करके इकट्ठे किए जाते हैं, तो फूलों की इकट्ठा करके वो तुम कांग्रेस और भाजपा झोली में डालने की बात कर रहे हो, लेकिन ये तो शेर है, उनकी फूलों में रग भेरा है, अग्नि भेरे है, उनको तुम कैसे कहोगे कि हम तुम सब एक हो जाओ? क्योंकि हम तो एक है। आप साथ में मुझे ये बताओ कि हमारा नेमावर वाला कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है, कि हमारा मानपुर वाला कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है? ये बार बार बोलते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं कि जयस एक हो जाओ। अरे यार, जयस हर उस कार्यकर्ता की है
जिसके मैंने अभी तुमको उदाहरण दिया, जो टीआई के थाने में आग में आग डाल के बात करता है, उसकी जय से तू जय से कैसे या कि नहीं? अगर किसी भी बहन बेटी के साथ में अन्याय होता है तो बताओ मेरे साथियों, भगवान से अगर कोई युवा नहीं गया हो, गुना से अगर कोई युवा नहीं गया हो, नीमच से कोई युवा नहीं गया हो, और मध्य प्रदेश से अगर कोई युवा अगर इकट्ठा नहीं हुआ हो, तो जयस तू एक है साथियों, अभी भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है मालूम है? कुछ साथियों की एक टांग इंदौर में है और दूसरी टांग भोपाल में है उनकी। वो चाहते हैं कि इनको हम ऐसी भावना में ले आए कि जयेश का तो माई बाप मैं हूँ, लेकिन जयेश का तो कोई माई बाप है ही नहीं। माई बाप उसका होता है जिसको पैदा किया जाता है, लेकिन जयेश तो एक प्राकृतिक नेचुरल वो ताकत है जिसको किसी माई बाप ने पैदा नहीं किया है। जयेश होते ही पैदा होती जिसका हमारे पुरखाओं ने बलिदान दिया, हमारे पुरखाओं हमारे बिरसा मुंडा ने क्या सिखाया तुमको, उनके लाठ करो, हमारे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनसे तुम आग में आग बार के तुम लड़ो, हम हमारे अधिकारों के तुम लड़ो। उस क्रांति का ये आगाज हुआ है और आज हमारा ये जयेश मात्र 10 साल का हुआ है। 10 साल का हुआ है तो हम एक मुख्यमंत्री को नचा सकते हैं। ये ताकत एक 10 साल के बच्चे ने कर ली, तो सोचो जब ये नौजवान होगा, ये 30 साल का 35 साल का होगा, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मध्य प्रदेश में सीएम क्या पीएम भी नाचेगा, और तुम्हारा सीएम भी रहेगा और तुम्हारा पीएम भी रहेगा। पसंद के बात ये है साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमें बरगलाया जाता है बार बार, कोई कुछ कोई छोटी सी बात पे सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ भी लिखा जा रहा है, आप सुना कुछ भी बोला जा रहा है, एक फलाने से किसी को गाली लिखी जा रही है, उसके ऊपर एफआईआर हो जा रही है, उस साथियों कम से हमारी मेंटली खबर पावर बनाना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं, पहले हम बोलना सीखो, हमारी ताकत को मजबूत करना सीखो साथियों। ये थानेदार कलेक्टर हमारे नौकर है, सीएम हमारा नौकर है, क्योंकि इनको हम सैलरी देते हैं, हमारे टैक्स से कटता है, एक दुपट्टा हम लेते हैं तो 30 रुपए का दुपट्टा होता है, उसको हम 50 रुपए इसलिए देते हैं ताकि सीएम के घर के चुना जाएगा आज। तो साथियों इस पावर को हमको समझना पड़ेगा, लेकिन हमको इस चीज को जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। हमें बरगलाया जाता है, अभी अभी कभी कभी देखने को मिलता है कि कई युवा बेरोजगारी के नाम पर, आज हमारे साथ एक साथी ने बताया जाता है कि 2013 से बैकलॉग पर खाली है। मैं उस साथी को बताना चाहता हूँ, भैया 2013 से नहीं 23 साल से बैकलॉग पर खाली है, और बैकलॉग पर बड़ी मुश्किल से वर्ग 3 में निकाले है, जिसके 75 नंबर भी आए हैं वो भी लग गया है। अगर सोचो बैकलॉग पर अगर सभी बैकलॉग पर भरा जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, कांग्रेस और भाजपा के पीछे जो लाइन लगा के रेलियां घूमती है ना, रेलियों में जाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको जान बुझ कर बेरोजगार रखा जा रहा है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा साथियों। मैं 2 शब्द आगे बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग मौसम के साथ में बदल जाएंगे, लेकिन उनको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम लोग मौसम के साथ में बदलने वाले नहीं है। ये देश का वो युवा है जो मौसमों को बदलने का हुनर रखता है, मौसमों को बदलने का हुनर रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।